नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वर्कशॉप में। मेरा नाम ललित है और आज हम सीखेंगे कि हम हमारी ड्राइंग को कैसे और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ड्राइंग जो होती है वो विजुअल कम्युनिकेशन का मेन पार्ट होता है। मतलब जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम अपने आइडियाज़ के बारे में शेयर करते हैं तो वो आइडियाज़ हम ड्राइंग के माध्यम से सामने वाले को शेयर करते हैं, जिससे हमारे जो विचार हैं या हमारे दिमाग में किसी चीज़ की इमेजिनेशन है तो उसको आप किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्राइंग का। ड्राइंग के माध्यम से जैसे कि आपने देखा होगा इंजीनियर्स होते हैं, तो अगर मकान बनवाना है तो इंजीनियर्स क्या होते हैं, ड्राइंग के थ्रू हमें मकान की एक नक्शा बना के देते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि हमारा मकान किस तरह का बनेगा, किस तरह का उसका लुक आएगा। तो ड्राइंग का जो मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है वो यही होता है कि आप अपने विचारों को उसमें प्रेजेंट कर पाएँ बेहतर तरीके से। आपकी ड्राइंग जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छी तरह से अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरे तक, ठीक है। तो इसको डेवलप करने के लिए, इसको सुधारने के लिए हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चीज़ों के एलिमेंट की स्टडी करेंगे जिससे आप इसे और अच्छे से सुधार सकें, ठीक है। तो इसे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है लाइन्स का, ठीक है। लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है, लाइन्स के थ्रू ही हमारी ड्राइंग तैयार होती है। बिना लाइन के आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। लाइन इज़ अ वाइटल एलिमेंट ऑफ एनी ड्राइंग। आपने देखा होगा कि गुफाओं में गुफा चित्र होते हैं और आदिमानव ने भी जो ड्राइंग की थी अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए लाइन फॉर्म भी की थी, ठीक है। आई मीन ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं तो वो अपनी स्टोरीज जो दिखाते हैं वो लाइन की फॉर्म भी दिखाते हैं, जो भी कैरेक्टर बने होते हैं लाइन में ही होते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती उसमें। तो लाइन जो होता है सबसे मेन पार्ट होता है। आप उसे डेवलप करने के लिए कुछ प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पेज है, इसमें आप इतनी बड़ी लाइन खींचेंगे, टॉपिक लिख लेते हैं आज का, ठीक है। लाइन कई तरह की होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब जब तक कुछ सीधी लाइन ना बन जाए उसके ऊपर बार बार हाथ चलाते रहना, इस तरह से सीधा खींची थी तो उसके ऊपर भी रिपीटेटिव हाथ चल रहा है हमारा, ये इस तरह से हाथ चलाते रहना। और इससे क्या होगा कि हमारी लाइन जो है उस पर कंट्रोल आएगा हमारा, एक लाइन में कम से कम आपको 8 से 10 बार हाथ चलाना है। और आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ की जो स्पीड है वो न तो बहुत ज़्यादा फास्ट है न ही बहुत ज़्यादा स्लो। जितनी ज़्यादा स्लो चलेगी उतनी ज़्यादा जार खाएंगे, जितनी फास्ट चलेगी तो उतना अनकंट्रोल रहेगा। इसलिए कंट्रोल मैनर में हमें लाइन की स्टडी करनी है। जब हम इतना हिस्सा कवर कर लें तब फिर हम हमारे लाइन की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। ये होती है स्ट्रॉन्ग लाइंस। लेकिन कई बार हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं हमारे पेज के जैसे वो इस तरह से करते हैं तो ये जो होती है कमजोर लाइन होती है। ब्रेकिंग लाइंस, टूटी हुई लाइंस, ये कमज़ोर लाइन कहलाती है। इसकी तुलना में आप ये देखिए दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है कि कौन सी लाइन ज़्यादा बेहतर दिख रही है, कौन सी ज़्यादा मजबूत दिख रही है, ठीक। अब हम समझेंगे लाइन की क्वालिटी इसको लेके कि लाइन कितनी होती है। जिसकी ये लाइन, ये लाइट लाइन है, इसको इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे, थोड़ी सी डार्क करेंगे तो ये हो गई लाइट लाइन, ये हो गई हेवी लाइन, भारी लाइन। मतलब लाइन के हिसाब से आप वेटेज क्रिएट कर सकते हैं कहीं पर भी। अगर आपको थोड़ा सा वेट दिखाना है, डेप्थ दिखाना है तो एक डार्क लाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे और जब तक आपकी लाइन स्ट्रेट सीधी ना हो, जब तक आपकी लाइन इस तरह से सीधी ना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना। कम से कम 10 बार
आपको इस तरह चलाना है तो आपकी लाइन जो है वो इस तरह से इम्प्रूव होगी। ठीक है, फिर जब इतना कवर हो जाए तो फिर आप और भी बड़ी लाइन खींचिए। ठीक है, शुरुआत में इस तरह की गलतियां लगातार होंगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो सीखते वक्त तो गलतियां होना निश्चित है, क्योंकि बिना गलती के हम सीख नहीं सकते। प्रैक्टिस करेंगे पता चलेगा। हाँ, इस तरह से। और दोस्तों आप देखिए, मेरा हाथ जो चल रहा है वो पूरा मूवमेंट कर रहा है, ऐसा एक कलाई रख के इस वो को कलाई को टिका के ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम पूरा हाथ का मूवमेंट ले रहे हैं, एल्बो से लेके हैं पाम तक। तो इस तरह से क्या है कि जब पूरे हाथ का मूवमेंट लेंगे तो आपको काम करने में काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, तो लाइन्स की कुछ क्वालिटी है इसकी।